मतदान किया है। 3 सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किए जा चुकी है। अगर बात बीजेपी की करें, लेकिन अब जो सूची जारी की गई है उसमें हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है, गढ़वाल से अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2 तस्वीरें भी साथ ही आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही सूची जारी होती है उसके बाद जो उनके समर्थक हैं वो किस तरीके से यहां पर खुश नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है बीजेपी की ओर से। दूसरी सूची में 2 ही नाम रहते थे, 3 नाम पहले बीजेपी की पहली लिस्ट में सामने आ चुके हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजीत सिंह राठी समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, दूसरी सूची सामने आई उत्तराखंड के बीजेपी की, अगर बात करें तो एक बड़ी खुशी लेकर आई, क्योंकि ये 2 नाम ऐसे हैं जो एक सशक्त तौर पर भी देखे जा सकते हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से इंतजार भी काफी किया गया। बिल्कुल, देखिए ये 3 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी पहले ही घोषित हो चुके थे और अब जो आज 2 सीट जो बची थी वही सबसे हॉट और सबसे महत्वपूर्ण सीट थी, एक हरिद्वार और एक पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी चुनाव लड़ेंगे, उनका आज सूची में नाम घोषित कर दिया गया है। और बलूनी की चर्चा पिछले 2-3 महीनों से चल रही थी और जब से राज्यसभा उनकी जगह महेंद्र भट्ट को भेजा गया तो तब से पूरे कयासबाजी और अटकलबाजियों का दौर था कि अनिल बलूनी लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। कभी उनका नाम हरिद्वार से, कभी पौड़ी से, और तो कभी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाली सीट से आता था जिसमें गौतम गंभीर सांसद थे। तो तमाम तरह की अटकलबाजियां चलती रही, चर्चाएं होती रही और बीच में चुकी जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने भी पूरा जोर लगाया था ताकि उनको रिपीट किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है और अनिल बलूनी का नाम पौड़ी गढ़वाल के लिए घोषित कर दिया गया है। अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, इस समय राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है और पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2.5 साल का इंतजार किया, चूंकि जितने भी मुख्यमंत्री हटाए गए थे तो मैक्सिमम को एकोमोडेट कर लिया था पार्टी ने, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अकेले पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनको एकोमोडेट करने की पार्टी में योजना चल रही थी। अब हरिद्वार से उनको पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये मुकाबला वाकई बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है और जहां से वो विधायक होते थे डोईवाला सीट से, वो भी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में 11 विधानसभा सीटें हरिद्वार की और 3 देहरादून जिले की आती है, और जो 3 देहरादून जिले की सीट है उनमें एक डोईवाला सीट है, वहीं से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जीतते रहे हैं, वहीं से ही जीत कर वो मुख्यमंत्री भी बने हैं, मंत्री भी बने और विधायक भी रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये 2 सशक्त नाम है इस समय जो बीजेपी के पास थे और उन्होंने मैदान में उतारा और इसी के साथ जिसे इंतजार था उसका इंतजार भी खत्म होता दिखाई दिया। अजीत, इसी के साथ एक और चीज पर हम यहां बात करते हैं और ये अहम बात है बीजेपी की मैनेजमेंट पर। बीजेपी किस तरीके से तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखती है, चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें या लोकसभा चुनावों की बात करें। अगर बीजेपी को किसी को टिकट दोबारा रिपीट नहीं कराना है, बेझिझक बीजेपी की ओर से फैसला लिया जाता है। मनमुटाव का भी आगे आने वाले समय में ध्यान रखा जाता है, जिसका प्रत्यक्ष तौर पर जो फायदा है अक्सर बीजेपी की इस रणनीति का चुनावों में जरूर देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही सही बात कही, जो कि मैनेजमेंट का ही खेल होता है और राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और वहां तमाम संभावनाएं सबकी खुली रहती है, लेकिन जिसकी योजना बहुत सॉलिड होती है वो संभावनाएं उन्हीं के लिए होती है। अब जैसे कांग्रेस का ही लीजिए, कांग्रेस के यहां 3 टिकट फाइनल हुए हैं तो उनमें से अगर टिहरी को हम छोड़ दें तो 2 टिकट ऑलमोस्ट सबको पता थे अल्मोड़ा और पौड़ी के, कि पौड़ी से गोदियाल लड़ेंगे और अल्मोड़ा से टमटा लड़ेंगे। अब टिहरी वाला टिकट जरूर चौंकाने वाला था, उसका पैनल में नाम भी नहीं था तो ये एक अलग चीज हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक दिन पहले तक किसी को हवा नहीं लगती है, किसी को रत्ती लेस मात्र सूचना नहीं होती है कि किसके कौन प्रत्याशी रिपीट होगा, कौन नया आएगा। लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प है कि आज जो 2 सीटें इनके यहां बाकी रह गई थी उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल, वहां से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। और वाकई ये मामला, ये पूरा का पूरा चुनाव, अगर हरीश रावत हरिद्वार से उतरते हैं कांग्रेस की तरफ से तो हरिद्वार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। और अगर वहां प्रत्याशी कांग्रेस अलग करती है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नहीं लड़ते हैं तो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर हरीश रावत वहां से उतरेंगे तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में मुकाबला होगा और ये सीट सबसे हॉट सीट होगी इस प्रदेश की और ये यहां के इस चुनाव के लिए लोग